अब तक हमने देखा सी और ए क्लास के बीच में मुकाबला होता है जिसमें हम देखते हैं ए क्लास जीत जाती है और तभी साकेनागी को पता चलता है कि ए क्लास की जीतने की वजह नया चेयरमैन है ताकि वो आयनेकोजी के ऊपर लगे प्रोटेक्शन पॉइंट को हटा सके और तब साकेनागी आयनेकोजी के साथ दोबारा से चेस का मैच खेलती है जिसमें आयनेकोजी उसे हरा देता है और तब वो आयनेकोजी को एक बेहतर इंसान बनने के लिए कहती है। और अब आगे तब हम देखते हैं फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जहां मनाबू को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया होता है और वो कहता है आज हम लोग ग्रेजुएशन तक पहुंच गए हैं चाहे मुझे यहां आए हुए 3 साल बीत चुके हैं पर तब भी मुझे ये कल की ही बात लगती है कि जब मैं इस स्कूल में अपना करियर बनाने आया था इस स्कूल ने कॉम्पिटिशन से हमारे अंदर हौसला भरा है और यहाँ के हर एक स्टूडेंट ने एक दूसरे को इम्प्रूव करने में मदद की है और स्पेशल एग्जाम ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। मैं स्कूल का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं आप सबके साथ ग्रेजुएट हो रहा हूं और जो भी लोग जो आज हमारे साथ नहीं है उनकी मेहनत भी वेस्ट नहीं जाएगी उनकी विल हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। मैं आप सबको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये स्कूल आपको ऐसी सीख देगा जो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी और वो आपके आने वाली जिंदगी में बहुत काम आएगी। वो लोग जो इस टाइम अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रहे हैं मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं आप लोग बेझिझक अपना पैर आगे बढ़ाइए और देखिए वो दुनिया जिससे आप इतना ज्यादा डर रहे थे और दूर रह रहे थे वो किस तरह आपको खुशी खुशी गले लगाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो रोशनी मिलेगी जो आपको आपके आने वाला फ्यूचर दिखाएगी तो इसलिए अब मैं अपने 3 सालों के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो यहां क्लास में टीचर कहती है कल की क्लोजिंग सेरेमनी से पहले मैं पिछले साल का एक क्विक रिव्यू देना चाहूंगी। फाइनल एग्जाम में आप सब ने सच में क्लास एक के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग वही स्टूडेंट्स हो जिन्होंने एक साल पहले इस स्कूल में एडमिशन ली थी। तो ये कहता है और टीचर इसमें इम्प्रेस होने वाली क्या बात है हम लोग तो फिर से क्लास सी से क्लास जी में आ गए हैं। तो साटो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं। तो टीचर कहती है तुम लोग चाहे दोबारा से क्लास जी में पहुँच गए हो पर तुम इस टाइम बहुत कुछ सीख गए हो और क्लास पॉइंट्स में तो तुम सभी क्लासेस से आगे हो। तब सूडो कहता है इतनी सारी तारीफ सुन के तो मुझे अजीब लग रहा है क्या कुछ होने वाला है। तो टीचर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है पर मैं तुम्हें बता दूं बाकी क्लासेस भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो इसलिए अब तुम आगे ऊपर जा पाओगे या नहीं ये तुम्हारी हर एक दिन की मेहनत पर डिपेंड करेगा। चाहे आज सेलिब्रेशन है पर याद रखना आज भी एक स्कूल डे है चाहे आज क्लासेस ना हो। तो थोड़ी देर बाद सुजुने कहती है लगता है लास्ट एग्जाम में सबको प्रॉब्लम हुई है। तो इचिनोसे कहती है रियुन ने तो सच में कमाल ही कर दिया उसने तो बहुत आसानी से क्लास बी को हरा दिया। रियुन ने सच में हमें बहुत चलाकी से फंसाया था पर फिर भी सारी गलती मेरी थी कि मैं उनसे बच नहीं पाई क्योंकि मैं लीडर थी। और तब हमें यहाँ क्लास बी और क्लास जी का मैच दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं क्लास बी सिर्फ 2 बार जीती होती है और क्लास जी ऑलरेडी 3 बार जीत चुकी होती है और उसे जीतने के लिए सिर्फ 1 मैच खेलने की जरूरत होती है। पर तभी हम देखते हैं उस टाइम जूडो का इवेंट सिलेक्ट हो जाता है जिसमें रोइन एल्बर्ट को चुनता है और इचिनोसे के पास उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई नहीं होता जिस वजह से क्लास ए टीचर माशिमा उस मैच को फोरफिट कर देते हैं जिस वजह से क्लास जी जीत जाती है। तब यहाँ सुजुने कहती है तुम्हें इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए इसमें इस तरह हारने वाली क्या चीज थी। तब इचिनोसे कहती है मैं इसे एक तरह की वार्निंग की तरह लेना चाहती हूँ। तब सुजुने कहती है आखिरकार इसका मतलब क्या है। तब इचिनोसे कहती है अगर ये चीज किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हुई होती तो किसने ये सोचा होता कि ये कितना मुश्किल हो सकता है पर इस टाइम हम बिल्कुल ठीक है। तब सुजुने कहती है तुमने सही कहा तो मुझे तुम्हारी क्लास की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इचिनोसे कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी क्लास ने भी बहुत अच्छे से लड़ाई की है तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हो हमें भी तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। तब सुजुने कहती है मैं इसी के रिलेटेड तुमसे बात करना चाहती थी मुझे नहीं लगता कि अगले साल से हम लोग एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। तब इचिनोसे कहती है मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगी पर मेरे हिसाब से हम कुछ डील तो कर ही सकते हैं ना। तब सुजुने कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं अगले साल बी क्लास से भी ऊपर जाना चाहती हूँ तो इसलिए मुझे इतने पॉइंट चाहिए कि मैं ए क्लास से भी ऊपर जा सकूं। तब इचिनोसे कहती है तो इसका मतलब हम अपना अगला साल एक अपोनेंट के तौर पर स्टार्ट करेंगे तो फिर क्लास भी अपना बेस्ट देगी। और तब वो दोनों हाथ मिला लेती है। तो यहाँ वापस जाते हुए आयनेकोजी कहता है क्या तुम सेलिब्रेशन में जा
जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ या नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल फ्री हो तो जिस मर्जी से बात कर सकते हो। और तब सुजुने वहाँ से चली जाती है और आयनकोजी सोचता है पर इससे पहले मुझे किसी और चीज का ध्यान रखना है। और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आयनकोजी पुरानी चेयरमैन से बात कर रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि मैं इस टाइम सस्पेंड हो चुका हूँ और मेरे ऊपर लगाए हुए इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन अभी हो नहीं रही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं नए चेयरमैन को रोकने के लिए कुछ कर पाऊंगा। अगर आप इस तरह कुछ भी नहीं करेंगे और उसकी प्लानिंग को ऐसे ही आगे बढ़ने देंगे तो इससे पूरा स्कूल खतरे में पड़ सकता है। तो तुम ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो ना जो उसे अपोज कर सकता है, तो मेरे हिसाब से क्लास ए टीचर माशिमा बिल्कुल सही चॉइस रहेंगे। पूरा स्कूल सिक्योरिटी कैमरा से घिरा हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए उसके साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ। पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुम इस स्कूल में एक नॉर्मल लाइफ की खोज में आए थे ना, तो क्या तुमने सोचा है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? मेरी तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब मैं वहाँ चला जाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ और वहाँ पर जाकर सब कुछ लीड करूंगा। तो मेरे हिसाब से तुम अपनी तकदीर को एक्सेप्ट करके ही यहाँ पहुँचे हो। इसी वजह से तो मैं अपने इन 3 सालों को डिफेंड करना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर रह सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये 3 साल तुम्हें ऐसी मेमोरीज दें जो तुम पूरी जिंदगी याद रखो। तब यहाँ आयनकोजी मीटिंग में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं क्लास ए टीचर, क्लास डी टीचर और साकिया नागी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तब क्लास ए टीचर कहते हैं चेयरमैन साकिया नागी का डायरेक्ट इस तरह इन्वॉल्वमेंट और ये सेलिब्रेशन से पहले ये सीक्रेट मीटिंग कितनी अजीब है ना। तब क्लास डी टीचर कहती है तो क्या तुमने खुद से कुछ एक्शन लिया है, पर मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर सिंपल लाइफ जीने आए हो। तब आयनकोजी कहता है मेरे पास न्यू चेयरमैन की एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पुराने चेयरमैन का सस्पेंशन और फाइनल एग्जाम का रिजल्ट दोनों नए चेयरमैन का ही किया धरा है, जिसे सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तब आयनकोजी उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता है। तब क्लास ए टीचर कहते हैं मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, पर अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तब क्लास डी टीचर कहती है पर तुम करोगे क्या, मैंने तो सुना है कि पिछले एग्जाम के रूल्स तोड़ने की वजह से तुम्हारी सैलरी थोड़ी काट दी गई है। तब साकिया नागी कहती है आखिरकार ये क्या माजरा है। तब क्लास डी टीचर कहती है क्लास बी और क्लास डी के जूडो इवेंट के दौरान क्लास डी ने एल्बर्ट को सिलेक्ट किया था। तब साकिया नागी कहती है तो मुझे समझ आया, अगर क्लास डी और क्लास बी उसमें लड़े होते तो किसी को बहुत ज्यादा गहरी चोटें आनी थी। तब क्लास डी टीचर कहती है तुमने सही कहा, तो इसलिए माशिमा ने उस इवेंट को फॉरफिट कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो नए चेयरमैन को पसंद आया था। तब आयनकोजी कहता है तो इसका मतलब वो टीचर्स को भी कुछ नहीं मान रहा है। तब क्लास ए टीचर कहते हैं अगर स्टूडेंट्स पर कोई भी डेंजर आएगा तो हमें उसे रोकना ही होगा और अगर कोई गलती होगी तो हमें उसे भी ठीक करना होगा, आखिरकार हम टीचर होके वो चीजों को क्यों ना माने जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तब क्लास डी टीचर कहती है तो तुमने अपना माइंड बना लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब साकिया नागी कहती है तो ठीक है, मैं भी इसमें आयनकोजी का साथ दूंगी, पर ये बस तब तक होगा जब तक नया चेयरमैन निकल नहीं जाता। पर अगर आयनकोजी की वजह से क्लास ए पर कोई भी खतरा आया तो इसे बिना कुछ सोचे समझे सबक सिखा दिया जाएगा। तब क्लास डी टीचर कहती है सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है तो स्टूडेंट्स पहले निकल जाओ, हम लोग बाद में आएंगे। तब थोड़ी देर बाद क्लास डी टीचर कहती है हम लोग सच में बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। क्या हम सच में चेयरमैन को यहाँ से निकाल के सब कुछ ठीक कर पाएंगे? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि वो नए चेयरमैन की जगह कोई और असेसन ना भेज दे, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ आयनकोजी के लिए खतरा नहीं होगा बल्कि पूरे स्कूल के लिए होगा। हम लोग बस सब कुछ ठीक होने की उम्मीद ही कर सकते हैं। और तब यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। तब आयनकोजी सुजुने को देखकर कहता है तो तुम यहाँ पर आखिरकार आ ही गई, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर तुम पुरानी सुजुने होती तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, पर मैं अभी भी नहीं बदली हूँ। चाहे क्लास ए हो या ना हो, पर सभी लोग अपनी ग्रेजुएशन पर बहुत ज्यादा खुश हैं। चाहे हम लोग हमेशा दुनिया की कंपटीशन में इधर उधर भागते रहते हैं, पर आखिरी में हमें अपने चुने हुए रास्ते पर खुशी ही मिलती है। तब सुजुने मनाबू को घूरने लगती है। तब आयनकोजी कहता है तुम्हें आगे जाना चाहिए और वैसे भी एक सिस्टर होने के नाते तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और उसे आगे की तरफ धक्का दे देता है। तब सुजुने कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं जिस तरह की अभी हूँ उस तरह मुझे उससे मिलना चाहिए, मैं तो बस ये देखने आई थी कि उसने किस तरह इस जगह पर अपने 3 साल बिताए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो तुम क्या करोगे?
मैं थोड़ा टाइम यहीं रुकूंगा। और तब सुजुने वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मनाबू आयनाकोजी से मिलने आता है और कहता है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो? मुझे लगा कि मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना चाहिए। लगता है सुजुने यहाँ से जा चुकी है। वो तो बस यहाँ पर तुम्हारी जर्नी देखने आई थी। मुझे माफ करना कि मैं उससे स्टूडेंट काउंसिल तक नहीं पहुँचा पाया, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। मैं तुमसे एक और फेवर मांगना चाहता हूँ। मैं 31st को यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या तुम इसके बारे में सुजुने को बता दोगे कि मैं उस दिन शाम को फ्रंट गेट पर उसका इंतजार कर रहा हूँ? क्या तुम इसके बारे में उसे डायरेक्टली नहीं बता सकते? मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो, शायद वो मुझसे इतनी ओपनली बात ना कर पाए। तब हम यहाँ देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपना अपना रूम छोड़कर चले जाते हैं। तब यहाँ बाथरूम में सुजुने सोचती है, मेरे भाई का आज यहाँ पर आखिरी दिन है और इस पूरे साल में मैं उसे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाई। क्या मैं उसे इस तरह जाने दे सकती हूँ? मैं अब तक बस उसका पीछा कर रही थी और अब जो मैं बन चुकी हूँ उस पर उसे बिल्कुल भी नाज नहीं होगा। मैं असल में एक फ्रॉड हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मैं बस उसे अपनी असली साइड दिखाना चाहती हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं मनाबू के जाने का टाइम हो जाता है और आयनाकोजी उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना कि वो यहाँ पर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं। तो आयनाकोजी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार क्यों तुम सबसे अपनी एबिलिटीज को छुपा रहे हो? ये शायद इसलिए है क्योंकि मैं सबकी अटेंशन नहीं चाहता हूँ। क्या सच में अपनी स्कूल की जिंदगी को ऐसे छुप छुप कर जीने में मजा आता है? क्या इसमें कोई फायदा है? क्या तुम इस स्कूल में अपना इम्पैक्ट छोड़ने नहीं आए हो? मैं ये नहीं करना चाहता और वैसे भी ये सारे काम तुम जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो फिर स्कूल पर ना सही, कम से कम तुम अपने साथियों के लिए तो कुछ ऐसा कर ही सकते हो। कम से कम उनके पास तो आयनाकोजी की कुछ ऐसी यादें होंगी जो वो कभी भूल ना पाए। मैं तुम्हारा उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी तुमने मेरी बहन के लिए किया, और मुझे पता है कि तुम जैसा पर्सन इतनी सी बातों पर नहीं रुकने वाला, तो इसलिए प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो फिर मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएं। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें आखिरी दिन भी परेशान किया। क्या तुम्हें कम से कम उसे एक बार कॉल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेरी ये मामूली सी फीलिंग उसकी ग्रोथ में कोई अड़चन नहीं डाल सकती और यही चीज मेरा दिल बार बार कह रहा है। तो इसलिए अब मैं सुजुने को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ, उसका ध्यान रखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर से किसी दिन जरूर मिलेंगे। और बाहर चला जाता है पर तभी हम देखते हैं सुजुने भागते हुए वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मनाबू शॉक हो जाता है। तब सुजुने कहती है, माफ कर देना कि मैं लेट हो गई। तो तुम आखिरकार बदली गई, और अगर मैं सच कहूँ तो तुम वापस से वही सुजुने बन चुकी हो जिसे मैं जानता था। मुझे माफ कर देना कि मुझे वापस आने में इतने साल लग गए, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने क्लासमेट्स के लिए आगे जरूर बढ़ूंगी और उनके साथ मन लगाकर पढ़ूंगी ताकि मैं एक दिन अपना एक रास्ता ढूंढ सकूं। तो आखिर इतने टाइम बाद तुमने अपने आप को ढूंढ ही लिया, तो क्या तुम्हें अब समझ आया कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर क्यों किया था? मुझे नहीं पता है। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि तुम मेरे पीछे ही भाग रही थी और खुद को भूल चुकी थी, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने पीछे भागने नहीं दे सकता था। पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। और मुझे माफ कर देना कि मैंने उस दिन कहा था कि मुझे लॉन्ग हेयर पसंद है, पर वो सब कुछ झूठ था। मुझे पता था कि तुम्हें शॉर्ट हेयर्स कितने पसंद हैं, तो इसलिए मैं देखना चाहता था कि तुम क्या मेरी बात मानते हो या नहीं, तो इसलिए मैंने वो झूठ कहा था। तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसे गले लगा लेता है। तब सुजुने रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ क्योंकि उसी की वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर गले लगा पाई हूँ। सुजुने, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, तो इसलिए अगले 2 साल मैं तुम्हारा इस गेट के दूसरी तरफ इंतजार करूंगा और मैं ये देखने का भी इंतजार करूंगा कि तुम कितनी ज्यादा ग्रो करोगी। ठीक है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगी। और तब वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।